राम राम। और एक कहानी बताऊंगा, जालिम सास और दयालु बहू। कहानी पसंद आओ सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो। एक शांति नाम की एक औरत थी, तो उसके दो बेटा था। तो वह मतलब चारों आदमी उसको पति, दो बेटा, वह सही रहा करता आपके घर में खूब राजी खुशी। तो उसने आपके भाई बड़ो बेटा बहन लायक हो गए, तो उसने आपकी पसंद की लड़की ब्याह दी उसके बड़ा बेटा का। तो जो बड़ी बहू आ गई ने, वह उससे खूब प्यार करे और खूब बढ़िया डाल रहे, दोनों सासू बहू सही रहे। तो कुछ दिन लकड़ गया ना, फिर छोटा बेटा ने अपनी मर्जी तो पसंद कर ली कोई, और आपकी मर्जी तो शादी कर ली। शादी कर ली तो वह उस माँ का खटक गई, मान बढ़िया ना लगी। वह गरीब घर की थी, बड़ी बहू थी, वह थी अमीर घर की, अच्छो दहेज लेके आई थी। और छोटी बहू ने दहेज तो को नहीं, उसका ने गरीब घर की थी, थी वह सही दयालु भी वही थी। तो उस सासू का वह पसंद को नहीं, उसने नौकरानी का डाल रखा है। भाई नौकरानी तो जिसो काम करवाया कर घर में, उस हाँ उस हिसाब तो उसकन काम करवाओ है कि मैं भी काम हो तू करके आ, छोटी बहू यो काम कर, छोटी बहू वो काम कर, छोटी बहू बड्डी ना उठ के आओ तो उसने कॉफ़ी बना की दे, उसने नौकर की दे। तो अरे ऊँ जड़ी कटी भी बात कही जाओ उसने कमें कमें। तो जो छोटो बेटो थो ने उसका, तो वो तो उससे प्यार करेगा, तो उसने भाई ले आया थो शादी करके ने। तो कुछ दिन तो माँ की बात सुनी, फिर बोलियो माँ भाई गलत करे है नहीं, भेदभाव करे दोनों बहुआ में, दोनों ने एक सी रखनी चाहिए। फिर बोले माँ की ये गलत बात से, मैं तो घर में रहूँगी को नहीं। बेटो बोलियो बोले मैं तो परे सी, जब तेरी बेइज्जती हुआ है इस घर में तो मेरे मेरे की के करूँ, पूरे पूरे रहा को नहीं, आप तो बाहर चल लाँगा भाई, नौकरी कराए तो अपना बाहर रह लेंगा शहर में। तो बाबा वो बोली ना बड्डी है कोई ना, माँ है माई से, मेरी माए समान है, मेरा तो कोई फर्क को नहीं पड़े, मैं बुरो ही ना मानू, आके मैंने क्यों कहे हैं को नहीं चलना, आप रहे रहेंगा आए घर में कह लेने दे। बोले तेरे इतनी कहन लग रही तन को नहीं आवक भाई, माँ के मैं क्यों बोल रहा। बोली ना मेरा तो क्यों फर्क को नहीं पड़े, और मैं तो राजी हो की सेवा करूँ हूँ इसकी, माँ की को नहीं चलना रहे रहेंगा। तो न्यू करती करती कई दिन लकड़ गया, कई दिन लकड़ गया। तो भाई वाह बड्डी बहू सवा तो और टोरा में आ गई भाई, और फालतू सासू तो तेरी मानना है सारी, वह भी सासू ऑर्डर देनी हो छोटी बहू ने ऑर्डर दे, और ना करे तो भाई वाह सासू डांट मारे। तो न्यू करती करती कई दिन लकड़ गया। तो वह सासू एक दिन बीमार होगी, बीमार होगी तो बीमार रहने लगी, डॉक्टर ने दिखाई। तो वह छोटी बहू को इसी चिंता हो रही कि माँ जी का क्या हो गयो, माँ जी का पा दब, माँ जी ने भाई टाइम पर दवाई दुई दे। तो वह भाई ठीक ना हुई, डॉक्टर नहीं बोलियो तेरा तो माँ जी इसी बीमारी है, अब तो ठीक को नहीं हुआ, तू तो बस दुखी हो कि मरेगी, इसी बीमारी है तेरा। तो फिर उसका और चिंता होगी बुढ़िया का, अभी तू तो दुखी होगी यार। फिर मन मन मवानी सोचने लग गई, अक मैं छोटी बहू ने दुखी करूँ हूँ, कभी वह कर्म बत मेरा गना आ गया है। अब मैं चाचक देसी इतनी बीमार होगी, मान दुखी रखू हूँ, हाँ इसको इसकी न दुखी रखू जब तो मेरा कम नहीं हो गया है। हाँ तो मन मन में वह दुखी रहने लग गई, और ज्यादा दुखी रहने लग गई। तो वह बड्डी बहू बोली हाँ कहाँ बुढ़ी का तो बेरोने के बीमारी होगी, आज जो इसका दौर है रहा ने तो यह बीमारी अपने भी लग गएगी। आपके घर वाले ने बोली बोले यह बीमारी अपने भी लग गएगी, आप अन्य करा मैं तो जाऊँ मेरे माइक है, आज जब तू चल रहा है तो तैयार हो ले, और ना तो उरा रहा तो उरा रही जा। देख मैं हाँ मैं तो आका कहना रुको नहीं, हाँ बुढ़ी कने आगा तो कह रो के बीमारी से मेरा लग जाए, मेरे बाल कहाँ लग जा, मैं तो आपका धोरे ना रहूँ, जाएंगी छोड़ दी बता दिया कोरोना है इसका तो मत जाएंगी छोड़ के जाएंगी। तो भाई वो छोड़ो कि जा बहू बिना, बोली मैं भी चलूँगा तो तू जाएगी तो मैं भी चलूँगा, सब जहाँ जानू अपना गुलाम था बहू को। न्यू ना देखी कि लग मात नहीं बढ़िया बताऊँगी, तो छोटा बेटा तो भी तो नाराज रहा करती हूँ,
अब पति शादी कर ली, माँ बुझ जा, माँ का बुझ जा बिना, तो दोनों हो लिया तैयार और चले आ गया। तो छोटो बेटो बोले, माँ तू तो सारी बार नहीं रखा करती, मेरी बहू बड्डी बहू, मेरी बड्डी बहू, मेरे बड्डो बेटो, मेरे बड्डो बेटो कित गया, तिर कर दी सेवा। और जब तू उनकी मेर रखा करती, मेरी तन मेर कदे रखी है को नहीं, तो मैं तेरी, हम तेरी सेवा क्यों करांगा, हम भी को नहीं करा, हम भी जावांगा। तो फिर वह बहू बोली, ना माँ की कीमत आसन को नहीं, किम इसने तू यह चिंता करवा दे और गणी हो जाएगी, को नहीं जावा आप, तो माँ एक दौरा रहांगा और अपने किम्मा को वनून के किमो तो वो आप तो माँ का दौरा रहांगा, रू रहे रहांगा, सेवा करांगा इसकी। तो भाई वह उसकी माँ की सेवा करें, माँ का दौरा रहे, वह बहू जी जान लाके उसने टाइम पर दवाई दे और उसकी खबाद करें। कई दिन हो गया तो वह बूढ़ी दूनी दूनी होती जा, ठीक ना हुआ। तो बहू ने सोची, अब इन तो मम्मी जी ठीक तो को नहीं हुआ है। तो उसने कोई नेट पर देखी कि त भाई जो देसी दवाई दी है उन तक बात करी, न्यू अपनी मर्जी तो वह भाई उसकी दवाई की तलाश में चल पड़ी। आयुर्वेदिक आना दो रहा है जड़ी बूटी है, तो भाई बोली कुछ तो इलाज होगा, कि माँ जी पाया पर खड़ी होली, इसी के बीमारी होगी भैया, पाया पर ना खड़ी उसका। तो उसने वेद पाड़ के नर वह दवाई ले आई, कई डाल को तेल ले आई, वो मिक्स करके उसकी कोई लेप बनाए और कि तम मालिश करी, कोई किसे तेल की करे, कोई किसे की, भाई बस उसने लग ही रही, उसने वाई सी कर दी, वह चलन लग गई, घोड़ा जी बनाए दी, हाँ वह ठीक होगी। तो वह कितना बीमारी गई बुढ़िया की। तो वह मन ही सोचा बुढ़ी, आगे देख मन ने तो इनका गल के करो है, बहू ये ना समझी थी मैं, और इस बहू ने देख मेरी कितनी सेवा करी, मजेवादी, हाँ मजेवादी ना। तो वह एक तो चली गई जो बहू थी, वह चली गई छोड़ के उसने जिस पर एज करे थी है, तो कर्म शकल सूरत दंत किम्मा ना हो, दंत भी वास्तव में हाँ, जिद्दी हो बेटा कमाओ ना, ये धने धन हो जीव, सेवा देखी हाँ। बालक की तो जब वो उसका यह हुई कि मन में ये मेरी गलती थी, अक मैं ही बहुआ भेदभाव करया करती, फर्क नहीं, हाँ इसमें अगर मैं फर्क नहीं करूँ इन्हें तो के फिर मैं बीमार ना हुई है, अरे इसी गलती कोई और भी मत करियो भाई, वाह मतलब बैठी बैठी न्यू कब है सब ने भैया भगवान, इसी गलती जो गलती मन ने करी इसी गलती कोई भी माँ सास मत करियो, बंदी बना के रखी, हाँ बंदी बना के बहू रखी मैंने धन का लोभ में, अगर भैया गरीब घर की से आरिया भाई पैसा वाला घर की से बड्डा घर की से दहेज लेके आई थी या दहेज को ले आई, तो बुढ़िया का मन मनु फर्क से तो दहेज उन्हें खास है हाँ। पर रन लाइज सारा लीजिए आप कठाई के ना हाँ, बुढ़ी का के बचा, बुढ़ी का के बचा है, बुढ़ी का बुरा ही बचा है, मतलब बुढ़ी ने के लेना, बुढ़ी ने दो रोटी सूत्री में लाना, वाह उसकी तो बढ़िया हो, सब अपनों बरते से के बुढ़ी ने दी, बुढ़िया करना नहीं चाहिए, नहीं लालच एक से रखनी चाहिए, एक सी क्यों लालच धंधा करना नहीं चाहिए, आज भी भू बेटा का है और तड़के भू बेटा क्यों बुराई ले, क्यों बुराई ले, उसकी तो वहाँ से भी बुलाई दो रोटी बढ़िया मिली जाओ, उसने उसने करना है जो कर दिया, अपनी बेटी ब्याह दी, बेटा ब्याह दिया, इब्राम का नाम लियो खाट पर, खाट पर बैठी खाओ, इब्राम बहू की सो ले आओ, जरवा की सो ले आओ, ले आओ उस तो आपको बरते हैं, तो लाइक बेटी हो बेटियाँ की क्षमा वहाँ पर भू का क्षमा दे घर में क्या लग गए छोटी का सासू लिया तो माई तो गई और फिर वो छोरा तनखा भी उड़ाया तो उसका बात तो कोई नहीं करी, उसने हाँ। बात तो करी, थे धन की क्या कमी थी, कमी कौन थी उसको, नीत की कमी थी, नीत की कमी थी उसका, मन मन नहीं थी बड्डी बहू पैसा बड्डा घर की, तो बड्डा घर की इनके खबात कर दी, बड्डा घर की गणा बड्डा छोरा गणु करा से करा है,
बेटी का ऋण ना दे दे बरी ना दे बर सही मिले पास आप कमाई कर ली और कोई दान इसकी दान की दाइज की ये बात भी नहीं देखनी चाहिए बेटी दे दे हो सब की में दे दे से पढ़ पोस की 20 साल की करके पढ़ा लिखा के जब बेटी दे दे है फिर रह के जा ये गलती है इनकी आपकी आत्मा में कायमत काटी हो रही है पढ़ पड़ोस की दे दे वो से वो सब की में दिया जाए उसकी माँ दारा आपकी माँ छोड़ के आप जाऊँ तो कोई कमी कौन छोड़ा भाई बहुत सारे दियो जाए जिसको भी तो वो हाँ उसे दे दे बालक बढ़िया होना चाहिए नुका कर है लखना अच्छा दे दे रूप ना के देखा कर्म ना देख कर्म ना देखा सारी वाणा ने राम राम कहानी पसंद आई हो सब्सक्राइब करियो कमेंट